ने वो चीज कर दी है जो अभी तक बॉलीवुड का बड़े से बड़ा बॉलीवुड सितारा भी नहीं कर पाया है। क्या किया है उन्होंने, क्या गर्व का काम किया है, बताऊंगी इस वीडियो में। नमस्कार, मैं हूं रुदम ठाकुर और आप देख रहे हैं बॉलीवुड हेडलाइंस। दोस्तों, सरहद पार हमारे आर्मी ऑफिसर्स हम लोगों को सेफ रखने के लिए, हमारे देश को सेफ रखने के लिए लगातार वहां पर डटे रहते हैं, और कई बार ऐसा भी होता है कि हम उन्हें गवाह भी देते हैं। ऐसे में आम इंसान, आम लोग क्या कर सकता है? आम इंसान एक रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सकता है कि जो उनके साथ में हो रहा है, जिस वजह से हो रहा है, उस वजह का बहिष्कार करके। यानी कि हम एक चीज कर सकते हैं, अगर आपको पता हो तो मैंने आपको पास वीडियो में बताया था कि भारत और चीन के बीच में जिस तरीके से झड़प चल रही है, मतभेद चल रहा है, जिस तरीके से हमारे 20 जवान मारे गए हैं, उसको लेके हमारे देश में जो है हर कोई इस समय बहिष्कार कर रहा है चाइनीज सामान का। ऐसे में कई व्यापारी संघ जो है उन्होंने रिक्वेस्ट भी की है कि चाइनीज किसी भी प्रोडक्ट का एडवर्टीजमेंट मत कीजिए, उन्हें प्रमोट नहीं कीजिए। ऐसे में कार्तिक आर्यन के पास में पहुंचा एक ऑफर जो कि करोड़ों का था, चाइनीज मोबाइल के एडवर्टीजमेंट का। कार्तिक आर्यन ने इस ऑफर को तुरंत ठुकरा दिया, इस डील को वही क्लोज कर दिया बिना करोड़ों के बारे में सोचते हुए। अब ऐसे में कई लोग, चाहे आप गवर्नमेंट मान लीजिए या फिर व्यापारी संघ मान लीजिए, इन लोगों ने, सभी ने अभी तक कई बॉलीवुड स्टार से जो है वो रिक्वेस्ट की है कि आप किसी भी चाइनीज प्रोडक्ट का जो है वो एडवर्टीजमेंट ना कीजिए। ऐसे में अभी तक इनमें से किसी का भी, चाहे वो दीपिका पादुकोण हो, आमिर खान हो, सलमान खान हो या फिर सारा अली खान हो, इनमें से किसी ने भी अभी तक कोई इस बात पर रिएक्शन ही नहीं दिया है। अब देखना ये होगा कि क्या ये सितारे भी ये स्टेप उठाएंगे जो कार्तिक आर्यन ने उठाया है। क्या कहना चाहेंगे आप लोग? आपको क्या लगता है, क्या उन लोगों को ये स्टेप जल्द से जल्द उठाना चाहिए? क्या कहती है हमारी जनता, कमेंट सेक्शन में जरूर शेयर कीजिएगा। बाकी सभी अपडेट के लिए बने रहिए चैनल के साथ बॉलीवुड हेडलाइंस में।